डीटीवी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 50 सीएनजी बसें और 350 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें पहले आप ये साफ देख लें। जो ये कतारें हैं ये उस एम्बुलेंस की हैं जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अलग अलग प्रखंडों में जाएगा। पहले चरण में ये 350 एम्बुलेंसें जा रही हैं अलग अलग प्रखंड में, लेकिन इसको 1000 एम्बुलेंस को कुल मुख्यमंत्री द्वारा इसका उसको भेजना है। इसमें देख लीजिए कि अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ तक की नाम लिखी हुई है। मनसी जाने वाली है, ये खगड़िया जाएगी, खगड़िया ज़िले में इसको तैनात होना है। इसमें अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ की एम्बुलेंस लगी हुई हैं। देख लें, दूसरी एम्बुलेंस जो है ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जाएगी। जहानाबाद साफ तौर पर यहाँ पर जो नाम है ड्राइवर के, उनका भी नाम लिखा हुआ, अविनाश कुमार चौधरी, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद, गाड़ी के नंबर और सारी कुछ लिखी हुई है। आपको पहले दिखाते हैं कितनी आधुनिक है ये एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस जो है अब जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत ये आती हैं। पहले जो सेफ्टी फीचर्स थे वो पहले नहीं दिए गए थे, लेकिन अब सारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स इसके अंदर लैस हैं। ऊपर देख लें कि वीआईपी लाइट से लेके सायरन वायरन सब कुछ लगे हुए हैं। और आपको अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार कि किस तरीके से ये, माफ़ करें ये बंद है, लेकिन कोशिश करते हैं कि दूसरी एम्बुलेंस से ये एम्बुलेंस खुली हुई। आपको इस एम्बुलेंस की अंदर की तस्वीरें एक बार ही दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो अंदर सामानें लगी हुई, शायद ये भी बंद है, लेकिन आप अंदर से ही देख लें कि तस्वीरें, जो स्ट्रेचर है, जो ऑक्सीजन है वो सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। और जितने भी जो आपातकालीन स्थिति में लोगों रोगियों को बचाने के कोशिश और कवायतें जो हैं वो की जाएंगी, उसको लेकर देखिए स्ट्रेचर भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टैंड भी रखा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखी जाएंगी, जो बेड है वो भी लगा हुआ है अत्याधुनिक। और ये आपको अलग अलग ज़िलों में जाएंगी। ये जो एम्बुलेंस यहाँ सामने लगी हुई है ये खगड़िया ज़िले की लगी हुई है। यहाँ पर साफ तौर पर गाड़ियों के नंबर भी लिखे हुए हैं। ऐसी कुल 350 एम्बुलेंस आज मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में करीब 1060 से 70 एम्बुलेंस जो हैं वो मुख्यमंत्री 64 एम्बुलेंस जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा निकाला जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत ये सारी एम्बुलेंसें अलग अलग प्रखंडों में जा रही हैं। तो दूसरी तरफ ये देख लें, ये आज राजधानी पटना की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हो गई हैं। ये सारी ग्रीन बसें हैं, जिसको सीएनजी बसें भी कहते हैं। ये सारी सीएनजी बसें आज से राजधानी पटना की सड़कों पर चलेंगी। ये पटना नगर सेवा द्वारा चलाया जा रहा है और साफ तौर पर इस पर रूट संख्या भी लिखी हुई है 111A। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि किस किस जगहों पर जाएगा, उसके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले आप देख लें, दानापुर स्टेशन और शुरू होगा ये गांधी मैदान से, पटना जंक्शन जाएगा, इनकम टैक्स सचिवालय, चिड़ियाघर, जगदेव पथ और PS मोर, सगुना मोर, दानापुर स्टेशन। ये आप बस देख लें, ये सारी 50 CNG बसें हैं जो आज मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाएंगी। इसके बाद ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक तरफ पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो मुख्य लोगों को होती है। मुख्य तौर पर जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी ट्रैवल करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर अब देख लें ये सारी बसें जो हैं ये अब पटना के हर एक एक जगहों पर जाएगी। ये इसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। ये बस देख लें, ये सारी इको ग्रीन बसें हैं जो BSRTC द्वारा चलाई जाएगी। आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, सहयोगी कहेंगे कि अंदर चलें और दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या कुछ किया हुआ। देखिए, सबसे पहले कोरोना गाइडलाइन से बचाव के लिए लिखा हुआ है मास्क ज़रूर पहने। उसके अलावा जो किराया है वो भी लिखा हुआ है, बस पड़ाव इसको मान भवन 5 रुपया, डाक बंगला चौराहा 5 रुपया, पटना जंक्शन 5 रुपया, आर ब्लॉक 6 रुपया, आयकर गोलंबर 7 रुपया। कई सारी सूचियां बनी हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा दूर का है वो बिहटा का, केवल 46 रुपये में लोग सफ़र कर सकते हैं इस CNG बसों द्वारा। और यात्रियों के अनुरोध है कि अपनी टिकट के साथ ही यात्रा करें। ये सारी चीज़ें जो स्लोगन है वो बिहार सरकार द्वारा लिखी गई है। और सड़क नियम के तहत देखिए ये कई सारी स्टिकर्स हैं जो लगाई हुई हैं, जिसमें लिखा हुआ है क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी परिवार का अमानत है, कई सारी बातें लिखी हुई हैं। पहले आप ये देख लें कि यहाँ की जो व्यवस्था है बैठने की, ये दो दो करके की हुई है। और जो ये सीटें हैं ये काफ़ी अच्छी बनाई गई हैं। ये नई बसें हैं जो CNG बसें जो आज से चलेंगी पटना की सड़कों पर। हमने पहले भी दिखाया था कि ये सारी बसें पटना करीब 1 महीना पहले आ गई थी और आज से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। ये ऐसी 50 बसें हैं जो आज मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे करीब 11 बजे। उसके बाद ये पटना की सड़कों पर चलेगी। और दूसरी तरफ
जो एम्बुलेंसें आई हैं वो भी अलग अलग प्रखंडों में जाएंगी। हर सुविधाएं यहाँ दी हुई हैं, देखें कैमरा से लेके हर चीज़ें लगी हुई हैं। अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जो अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं, दूसरी तरफ बाहर की भी तस्वीरें देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पीछे भी देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, यहाँ पे जो चालक है उनसे ही बात करते हैं। एक बात बताएं सर, ये जो नई बसें हैं ये इसका सीएनजी पंप कहाँ पे मिलता है, ये सीएनजी कहाँ से भराएंगे आप? अभी तक तो हम लोग के नहीं बताया गया है। तो अभी ये सीएनजी पे चल रहा है या पेट्रोल पे? अभी तो सीएनजी भराया हुआ है, इसको फुल है। इसको एक बार ये फुल होगा तो कितना किलोमीटर तक जाएगा? इस सब तो हम लोग के टारगेट नहीं बताया गया है सर, कुछ नहीं बताया गया। ये बस जो है ये कहाँ जाएगी? ये बस बीटा जाएगी, बीटा जाएगी पटना जंक्शन से। हाँ, गांधी मैदान कारगिल चौक से बीटा IIT तक जाएगी। जी शुक्रिया। तो ये जो सिस्टम है इसमें तो काफी अत्याधुनिक सिस्टम है। हाँ, लगाई हुई जी, 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 सारे सिस्टम है, कैमरा उमरा से लेकर कैमरा उमरा सब। जी जी, वो जो माइक लगाया गया वो किस चीज के लिए लगाया गया? बोलने के लिए स्टॉपेज पर कहाँ आगे गाड़ी। चलिए शुक्रिया। अब सुना कि सारी अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो उसमें लैस हैं, हर जगह पर ये जाएंगी। ये पटना, ये जो कारगिल चौक है वहाँ से लेके बीटा जाएगी। इसमें देख ले जो लास्ट स्टॉपेज है वो बीटा है, 16वां स्टॉपेज, जो 46 रुपये लगेगा जाने का। देख ले कि एक तरफ जो पेट्रोल डीजल के दाम में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसको लेकर एक सरकार की अच्छी पहल है जो अब यहाँ दिख रही है कि पटना के कारगिल चौक से ये बीटा जाएगी केवल 46 रुपये में। एक तरफ सरकार ने कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक बसों की भी परिचालन शुरू की थी और अब जो ये सीएनजी बसें आई हैं, इको ग्रीन सीएनजी बसें, ये करीब 50 बसें हैं जो अलग अलग जगहों पर जाएंगी। आप देख लें कि ये बिहार राजधानी पटना की शोभा बढ़ाएंगी और सिर्फ पेट्रोल के दाम ही कम नहीं, इससे जो पॉल्यूशन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जो इको ग्रीन बसें हैं सीएनजी हैं ये पॉल्यूट कम करती हैं, तो राजधानी पटना को पॉल्यूशन से भी निजात मिलेगा। और ये सारी बसें और जो एम्बुलेंस हैं ये आज मुख्यमंत्री द्वारा अलग अलग प्रखंडों में एम्बुलेंस की शुरुआत हो जाएगी और ये बस राजधानी पटना में अब शोभा बढ़ाने के लिए करीब 11:30 बजे से तैयार हो जाएगी। कैमरा पर्सन